सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और ये किन कारणों के कारण होती है, साथ ही इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं, यही इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो कि आपके गर्भाशय में ना होकर गर्भाशय के किसी और रीज़न में होती है, गर्भाशय से बाहर होती है। मतलब जब भी आप कंसीव करते हो, जब भी कोई फीमेल का एग स्पर्म के साथ शुक्राणु के साथ मिलता है तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइज को आप अंकुरित समझ सकते हो, जैसे कोई भी बीज अंकुरित होता है, तो जब कोई भी बीज अंकुरित होगा तो आपको उसको ज़मीन पर मिट्टी में बोना होता है। सेम ऐसे ही जब भी कोई एग, फीमेल का एग शुक्राणु के साथ, फीमेल का अंडा शुक्राणु के साथ मिलता है तो इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यूट्रस मतलब कि गर्भाशय में जाके इम्प्लांट होता है, मतलब कि अंकुरित होता है, उसे बोया जाता है। ये आपकी बॉडी नेचुरली करती है प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और हर जो फर्टिलाइज एग है वो सामान्यतः यूट्रस के अंदर मतलब कि गर्भाशय के अंदर मतलब कि बच्चेदानी के अंदर ही इम्प्लांट होता है, अंकुरित होकर वो बोया जाता है बॉडी के द्वारा। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण अगर ये जो फर्टिलाइज एग है ये यूट्रस कैविटी में ना होकर यूट्रस के बाहर अगर ये अंकुरित होता है, बोया जाता है, इम्प्लांट होता है, तो ऐसी कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। सामान्यतः एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कही जाती है, क्योंकि अधिकतर एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो, यूट्रस और अंडेदानी, अंडेदानी एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका अंडा हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है, ओवुलेशन डेट के बाद में। ओवुलेशन के बाद जब ये अंडा रिलीज होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके गर्भाशय तक जाता है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। मेल के शुक्राणु के साथ इसका मिलन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये अंडा वहीं पर ख़त्म हो जाता है और आपका जो पीरियड है वो आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्टिलाइज होता है तो ये अंडा फर्टिलाइज होकर यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन किन्हीं कारणों के कारण अगर ये यूट्रस में नहीं पहुंच पाता तो ये अधिकतर फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी बोला जाता है। ऐसे ही सेम कंडीशन होती है, कई बारी अंडा एग के साथ फर्टिलाइज होकर ओवरी में ही इम्प्लांटेशन कर लेता है, और सेम कंडीशन आपके अदर एब्डोमन कैविटी में भी हो सकती है, यूट्रस में ना होकर यूट्रस की कैविटी से बाहर। सेम ऐसी कंडीशन आपके गर्भाशय के मुंह पर भी होती है, कई बारी अंडा फर्टिलाइज होकर सर्विक्स के आसपास भी ग्रो हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो गाइज ऐसी कंडीशन को भी आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहोगे। यहाँ पर मैं अगर इसका कंक्लूजन बताऊँ, निचोड़ बताऊँ, तो कोई भी प्रेगनेंसी अगर आपके यूट्रस में ना होकर यूट्रस के बाहर डेवलप होती है, इम्प्लांट होती है, प्रेगनेंसी लगती है, तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ओके, तो अब जानते हैं आगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो जो पहले नंबर पर कारण है वो है, अगर आपका पेल्विक रीजन में या फिर आपके एब्डोमन कैविटी में किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। साथ ही जो फीमेल क्रोनिक स्मोकर होती हैं, अगर वो बीड़ी सिगरेट का सेवन करती हैं तो उन्हें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, मतलब कि एसटीडी जो डिजीज़ होती हैं, इन कारणों के कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है।
साथ ही अगला कारण है, अगर आपने किसी प्रकार का अबॉर्शन कराया है तो भी आपको चांसेस रहते हैं आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगला है, अगर आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराया है या फिर आपको हिस्ट्री में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। अगला कारण है PID, मतलब कि पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज़, इसके कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और अगला कारण ये है कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी पास्ट में थी तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आगे आपको फ्यूचर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगला है IUCD, मतलब कि इंट्रा यूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अगर आपने ये डिवाइस लगवाई हुई है, मतलब कि IUCD अगर आपने करवाई हुई है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगला कारण है, अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली है तो इसके कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगला कारण है, अगर आपको कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है तो भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के। अगला कारण है गाइज, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आपके यूट्रस के टिश्यूज़ यूट्रस में ग्रो ना होकर बाहर ग्रो होने लग जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है जिसके कारण भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आगे बात करते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कौन कौन से साइन और सिम्टम होते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला साइन और सिम्टम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो है आपका एब्डोमन पेट में दर्द होना या फिर पेल्विक रीजन में दर्द होना। अगर मैं आपको 21 स्टडीज़ का निचोड़ बताऊँ तो 93% केसेस देखे गए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर फीमेल को एब्डोमन पेन होता है, साथ ही पेल्विक रीजन में पेन होता है। वहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंस हो जाता है, और ये डाटा 21 स्टडीज़ का है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिन फीमेल्स को होती है उनमें उनका पीरियड साइकिल 73% रहता है, मतलब कि फीमेल जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिन्हें होती है उनका पीरियड साइकिल मिस हुआ है, और ये फीमेल का डाटा 73% होता है। अगला है, अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको योनि मार्ग से ब्लीडिंग होगी, और ये डाटा 25 स्टडीज़ का है, और 64% चांसेस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में योनि मार्ग से ब्लीडिंग होने के। अगला है 3 स्टडी का डाटा गाइस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, और ये 30-40% फीमेल को होता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस का मतलब ये है कि जब आप अपने ब्रेस्ट को हाथ लगाओगे तो वहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा, और ये भी एक साइन और सिम्टम होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। साथ ही जिन फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उन्हें चक्कर के साथ थकान महसूस होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगला है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 10-20% फीमेल को शोल्डर टिप पेन होता है, जो कि 7 स्टडी का डाटा है। अगला है, योनि मार्ग से कई बारी टिश्यूज भी पास होते हैं, और कई फीमेल को रेक्टल प्रेशर महसूस होता है। तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स थे। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई है तो फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में लेफ्ट और राइट एक एक ट्यूब होती है, तो अगर आपको एक जगह पर लगातार पेन हो रहा है तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, ठीक है। साथ ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नोजिया वोमिटिंग भी देखा जाता है। और अगर मैं आपको इसके टेस्ट के बारे में बताऊं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको एक डार्क रेड लाइन देखने को मिलती है, साथ ही आपको एक लाइट पिंक लाइन देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप कंसीव करने के बाद 5वें वीक पर आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें ईजिली आप देख सकते हो कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं, या फिर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कराने पर भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। कई बारी डॉक्टर आपको
बाय ब्लड भी आपको बेटा एचसीजी हार्मोन पर आपको एडवाइस कर सकते हैं, जिससे इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी,